हेलो गाइस, लड्डू किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अप्पे और सांभर। और सांभर मैं इसमें कुकर में घिया डाल रही हूँ। मेरे पास इतनी ही सब्जियाँ हैं, गाजर है, एक आलू कटा है, एक प्याज काट के डाल दिए और आधी कटोरी छोटी वाली अरहर की दाल है। और इसमें हल्दी डाल देते हैं, एक चम्मच नमक डाल देती हूँ और पानी का इसको गैस पर रख देती हूँ। चार पांच सीटी इसमें लगती रहेंगी, स्लो पे। बन चुकी है हमारी, तीन चार सीटी लग चुकी है इसमें। इसको खोल के देखते हैं, खासी हो चुकी है। इसको इसी के अंदर गैस कर देंगे। इसको सांभर तैयार है, अब इसकी फ्राई कर लेते हैं। इसको तड़का लगा देते हैं। इसमें दो चम्मच सरसों का तेल लेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें आधी चम्मच मेथी, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सरसों और घी, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। अब कलर के लिए और कश्मीरी मिर्च डाल लेती हूँ इसमें। सांभर में डाल देते हैं। सांभर हमारी रेडी हो चुकी है, तड़का लग गया है। और इसमें ये इमली का पल्प मैंने पहले तैयार कर लिया था, गर्म पानी में छान के ये डाल देते हैं इसमें। और एक बड़ी चम्मच सांभर मसाला, बस यही इसमें जाएगा। सांभर बहुत टेस्टी लगती है। और खड़का लेती हूँ इसको। एक घिया, गाजर, एक आलू से मैंने सांभर बनाई है, पर बहुत टेस्टी लगेगी क्योंकि सांभर मसाला से ही सांभर अच्छी लगती है। और अरहर की दाल है इसमें, तो उसका टेस्ट वही आ जाता है। चलो अब अप्पे की तैयारी करते हैं। अब हम अप्पे का बैटर बनाते हैं। एक कटोरी सूजी ली है मैंने, इसके आधी कटोरी, एक कटोरी छोटी वाली दही ली है और इसमें एक चम्मच नमक डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे क्योंकि सूजी फूलती है हमारी। 10 मिनट बाद इसमें और भी सब्जियां डालेंगे, हरी सब्जियां, फिर इनके बनाएंगे बाद में। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कराने तक रखती हूँ। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देखते हैं। ये गाढ़ा है अभी, इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। इसके बाद एक कुछ सब्जियाँ ली है, एक प्याज ली है, छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है, एक गाजर ली है, कद्दूकस कर ली है और आधी शिमला मिर्च है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक और डालूंगी, मुझे कम लग रहा था, पहले भी डाल चुके हैं हम। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। कितना अच्छा कलर आया है इसका। गाढ़ा लग रहा है टेस्ट। अब ये किलो ली है मैंने, इसको ऐड कर दूंगी इसमें। अब इसको एक ही तरफ घुमाएंगे धीरे 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 धीरे। और अब तुरंत इसके अप्पे बनाएंगे हम। अप्पे सांभर से बहुत अच्छे लगते हैं, बजाय चटनी के साथ। चलो अप्पे स्टैंड लिया है, इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। देसी घी कोट किया है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इनको छोड़ देते हैं इसमें अप्पे स्टैंड में।
आप अपने हिसाब से डाल लो, कितने बड़े टूटे बनाने हैं जैसे। और हमने इस पर थोड़ा सा घी और लगा देती हूँ ऊपर से। स्लो गैस पे इनको सिकने देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इनको पलट कर सेक लेते हैं। चेक करते हैं, ये बन चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है इनका। इनका टेस्ट सांभर में बिल्कुल मेदू बड़ा जैसा लगता है सांभर के साथ खाने से। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं और 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं। 1 मिनट अब ये खूब करारे सिक चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। सारे अप्पे तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ और ऊपर से 2 चम्मच सांभर डालती हूँ और चम्मच से काट के आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने मुलायम हैं। और खा के ट्राई ज़रूर करना, एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो। थैंक यू।